हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज चंदन गौतम एंड आज इस लेक्चर में हम हमारे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, वर्क डन हम कवर कर चुके हैं, एनर्जी के बारे में हम कवर कर चुके हैं, तो लास्ट हमारे पास टॉपिक बचता है कौन सा? पावर। कौन सा बचता है बेटा? पावर। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? पावर के बारे में। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इस टॉपिक के बाद में 9th स्टैंडर्ड का जो ये चैप्टर है वो एंड हो जाएगा। 10th के चैप्टर के लिए कुछ टॉपिक्स बाकी रहेंगे, वो हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन 9th के लिए ये लास्ट टॉपिक है। तो इसके बाद में आगे आप लोगों को इस चैप्टर के लेक्चर्स नहीं देखने हैं, वो आप लोगों के स्टैंडर्ड के नहीं है, वो 10th स्टैंडर्ड में आ जाएंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में? पावर के बारे में। ठीक है बेटा, पावर, उसे डिनोट करते हैं अपन पी से, सिंबल होता है उसका पी। ठीक है, देखो एक क्लासरूम है जिसमें दो बच्चे हैं, एक है एकदम दुबला पतला मेरी तरह, ठीक है, और एक एक हाथी की तरह लड़का है, ठीक है, मतलब एक बहुत स्ट्रांग है, हट्टा कट्टा है, ठीक है। तो मैं उसको धक्का दूंगा तो वो हिल पाएगा क्या? नहीं। लेकिन अगर उसने मेरे थोड़ा सा भी धक्का मार दिया तो क्या होगा? मैं गिर जाऊँगा। तो मतलब उसकी पावर ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ, मैं दुबला पतला हूँ, मेरे को बोले कि बकेट, पानी के बकेट उठा उठा के रखनी है, मैं एक रख पाऊंगा, दो रख पाऊंगा, तीन रख पाऊंगा, लेकिन उसको बोलूंगा तो क्या करेगा? वो 10, 15, 20, 50 रख देगा। तो मतलब क्या हुआ, उसके काम करने की जो एबिलिटी वो क्या है? ज़्यादा है। और मेरे वर्क करने की एबिलिटी क्या है? कम है। बात समझ आई? तो पावर को भी हम उसी के बिहाफ पे डिफाइन करेंगे। पावर क्या होता है बेटा, ध्यान से देखना, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन। क्या होता है बेटा? रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, या मैं इसी को बोलूं अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन पर यूनिट टाइम। क्या बोल दूं बेटा? पर यूनिट टाइम। दोनों का मीनिंग एक ही है। पावर को हमने डिनोट किया पी से, तो पहले एक बार पावर के टर्म में, वर्ड्स में लिख लेते हैं। पावर इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डूइंग वर्क डन। रेट की बात करते हो तो हमेशा क्या करते हैं अपन? टाइम से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, या मैं इसे बात करूँ, पी इज इक्वल्स टू वर्क डन होता है डब्ल्यू, और टाइम हो जाएगा टी से। तो पी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा अपने पास में? पी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी। W क्या है? वर्क डन। वर्क डन की यूनिट क्या होती है? याद करो, जूल। और टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती थी? सेकंड। ठीक है बेटा, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी अपने पास में? जूल पर सेकंड, या मैं इसी को लिख दूँ जूल सेकंड इनवर्स। ये ऊपर आएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। ध्यान रखना, जब भी पावर ऊपर आती है तो अपनी पावर के जस्ट अपोजिट हो जाती है। प्लस है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगी। जूल पर सेकंड इसकी क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी। बात समझ आई? इसी का एक और एक्सटेंडेड फॉर्म लिख देते हैं, मतलब जो यूज में लेते हैं ऐसा यूनिट जिसको अपन बोलते हैं, वो हो जाती है क्या? वॉट। क्या लिखते हैं बेटा? वॉट। तो आपको ध्यान क्या रखना है, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? पावर की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? वॉट। ठीक है, क्या होती है? वॉट। और इसे हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। किससे डिनोट करते हैं बेटा? डब्ल्यू से हम उसे डिनोट करते हैं। बात समझ आई? अब देखो कुछ वैल्यूज बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। इधर हमारे जो घर में जो एनर्जी कंज्यूम होती है वो के डब्ल्यू एच में होती है। ठीक है, मीटर को देखना ध्यान से आज जाके, उसमें के डब्ल्यू एच लिखा हुआ आएगा। तो के डब्ल्यू एच में के क्या होता है? किलो के लिए। तो अगर मैं बात करूँ 1 किलो वॉट, तो कितना हो जाएगा? किलो में होता है 1000 वॉट। ठीक है, मैं बात करूं 1 मेगावाट, एम फॉर मेगा, मेगा का मतलब होता है 10^6 वॉट। ठीक है, 1 गीगावाट, गीगावाट मतलब जी डब्ल्यू हो जाएगा 10^9 वॉट। ठीक है, देखो पानी की जो मोटर होती है ना, कभी भी अगर खरीदने जाते हैं आप लोग, जाते हैं या घर वाले जाते हैं, तो घर वालों से पूछना कि मोटर किस में लेके आते हैं? एचपी में लेके आते हैं। किस में लेके आते हैं बेटा? एचपी के अंदर लेके आते हैं। तो वहीं एचपी जो होगा, वहीं एचपी जो होगा, 1 एचपी की बात करूँ, एचपी होता है हॉर्स पावर, वो होता है अपने पास में 746 वॉट। ठीक है, ध्यान रखना, पानी की जो मोटर आती है वो एचपी में आती है। एचपी स्टैंड्स फॉर दी हॉर्स पावर,
और 1 horsepower की वैल्यू होती है 746 वॉट के इक्वल होती है। बात समझ आई? ये तो थी इसकी यूनिट्स के बारे में बात करी अपन ने, ठीक है। अब थोड़ा सा नज़र डालेंगे हम इसके फॉर्मूले में और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। इसको लिखना है सब लोगों को, ठीक है। अब देखो P क्या है अपने पास में, P इज इक्वल टू W अपॉन T। W क्या है वहाँ पे, वर्क डन। अब याद करो वर्क डन जब अपन ने पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर, तो वर्क डन क्या पढ़ा था, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही पढ़ा था बेटा। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास में, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बात समझ आई? तो यहाँ से P कितना हो जाएगा अपने पास में, P इज इक्वल टू F इंटू एस अपॉन T, यही होगा। W की वैल्यू रख दी F इंटू एस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होता है, याद करो वेलोसिटी पढ़ा था अपन ने, तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, V लिख सकता हूँ ना। तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास में, F इंटू V। ये भी इसका क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला हो जाएगा। बात समझ आई? फोर्स इंटू वेलोसिटी अगर मैं कर दूंगा तो अपने पास किसका फॉर्मूला निकल के आएगा बेटा, पावर का फॉर्मूला निकल जाएगा। बात समझ आई, ठीक है। चलो और अब एनर्जी वाले ही चैप्टर में अपन ने पढ़ा था W क्या था, वर्क डन था, जो किसके फॉर्म में स्टोर हो रहा था, पोटेंशियल एनर्जी, और उसकी वैल्यू कितनी निकली थी अपने पास में, MgH। कितनी निकली थी बेटा, MgH। तो पावर का एक और फॉर्मूला क्या निकाल सकता हूँ मैं, W अपॉन T की टर्म में P इज इक्वल टू W हो गया MgH, MgH अपॉन T। पावर का एक फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला। देखो पावर का एक फॉर्मूला हुआ वर्क डन अपॉन टाइम, P इज इक्वल टू W अपॉन T। पावर का दूसरा फॉर्मूला क्या निकला अपने पास में, P इज इक्वल टू F इंटू एस अपॉन T, दैट इज P इज इक्वल टू F इंटू V, फोर्स इंटू वेलोसिटी। और तीसरा फॉर्मूला MgH पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में निकला, P इज इक्वल टू MgH अपॉन। आई होप समझ आया होगा बच्चों, कोई भी डाउट आता है आप लोग पूछेंगे। यहाँ पे 9th स्टैंडर्ड के लिए थ्योरी पार्ट ख़त्म होता है, इसके बाद में हम 10th का जो रिमेनिंग पोर्शन है पेंडुलम वगैरह उसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम इस चैप्टर के यहाँ तक के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, सो दैट 9th का चैप्टर यहाँ पे एंड हो सके, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू बेटा।